मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज बजट पेश कर रही हैं। निर्मला का यह चौथा बजट है और मोदी सरकार का यह नौवां बजट है। 2022-23 का बजट पेश कर रही हैं फिलहाल वित्त मंत्री सीतारमण। चलिए आइए नजर डालते हैं कि अब तक के बजट में क्या क्या घोषणाएं की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश कर रही हैं संसद में, उसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक पैकेज को सरकार लागू करेगी, ऐसी अनाउंसमेंट की है। वहीं मझोले और छोटे उद्योग के लिए स्कोप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। B2B सेवाओं के लिए सरकार कई चीजों को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही MSME की वित्तीय जरूरतों को पूरी करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ऐसा इनका कहना है। वहीं आपको बता दें कि छात्रों के लिए ई विद्या योजना भी शुरू की गई है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जो पिछड़े इलाके और पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं, उनको PM ई विद्या योजना के तहत एक चैनल, एक क्लास, 12 से 200 TV चैनल तक बढ़ावा जाएगा। वहीं कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि में 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद 12,008 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। किसानों को MSP के जरिए 2,37,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। वहीं गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। वहीं तेल के आयात को कम करने के लिए तिलहन के आयात की निर्भरता को भी कम किया जाएगा। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए PP मॉडल पर भी काम किया जाएगा। किसान खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव का इस्तेमाल करने के तरीकों को भी बताया जाएगा। वहीं ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए राज्य को बताया जाएगा कि किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है। नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप आने के लिए वित्त पोषण के तरीकों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को मशीनों किराए पर देने के लिए नई नई सूचना किसानों तक पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निजी निवेश को भी बढ़ाना हमारा महत्व लक्ष्य रहेगा। वित्त मंत्री गरीबी मिटाने की कोशिश कर रही हैं और उनका कहना है कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता एयर इंडिया का कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता होगी। एयर इंडिया का विनिवेश भी पूरा किया जाएगा। इस बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट भी पेश किया गया है और ये युवाओं, किसानों और महिलाओं का बजट है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने क्या कहा है कि गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य पोषण सेक्टर में भी सुधार हुआ है। हाईवे पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिलाओं के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। मिशन वात्सल्य और पोषण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर है। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश कर रही हैं और उनके कुछ हाइलाइट्स, 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मोड में योजना शुरू की जाएगी। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर रहेगा और किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। वहीं आंगनबाड़ी पोषक स्कीम का भी विस्तार किया जाएगा। गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान। ऑनलाइन शिक्षा पर जोर रहेगा। ऑनलाइन शिक्षा पर 200 TV चैनल, 750 नई लैब बनाई जाएंगी। वहीं PM आवास के तहत 80 लाख मकान बनाने की योजना है। नल के जल के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा देने का सुझाव है। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 9.27% विकास दर का भी अनुमान है। वहीं डाकघरों को भी बैंकों से जोड़ा जाएगा और LIC का IPO जल्द मार्केट में आएगा। तो इस तरीके की कुछ घोषणाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं। ई व्हीकल को भी बढ़ावा देने की योजना है। वहीं ई व्हीकल को बढ़ावा देने के साथ साथ ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे और डाकघरों में भी ATM शुरू करने की स्कीम आएगी, यानी डाकघरों में ATM जल्द ही शुरू किए जाएंगे। तो बजट आज संसद में
मोदी सरकार का बजट पेश हो रहा है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि को लेकर कुछ घोषणाएं की हैं। कृषि किसानों से जुड़े लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है। फिलहाल नौकरियों को भी बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिलहाल संसद में बजट पेश करती हुई, सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था और वहीं निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है, साथ ही इस बजट में सरकार के इरादे को भी दर्शाया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि बजट की कुछ बड़ी बातें। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। वहीं कोरोना लहर से जूझ रहा है देश, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। वहीं LIC के लिए जल्द IPO आने की उम्मीद, 25 साल की बुनियाद का बजट, 60 लाख नई नौकरियां बढ़ाई जाएंगी, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PP मोड में योजना शुरू की जाएगी, एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा, 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विल बी एलोकेटेड, दिस विल प्रोवाइड एंड दिस विल प्रमोट R&D एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस। आवर विजन इज दैट ऑल विलेजेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है और इस बजट को विकास का बजट कहा गया है। विकास को प्रोत्साहन देने वाला बजट ऐसा माना जा रहा है। और आपको बता दें कि बजट में काफ़ी ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं जो किसानों के लिए हैं, किसानों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी हैं और खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। और यही साथ में कहा जा रहा है कि 2022 में 5G भी आ जाएगा और IRDA बीमा बॉन्ड भी जारी किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से काफी घोषणाएं की। कंप्लीशन इज एक्सपेक्टेड इन 2025। मेजर्स विल बी टेकन टू एनेबल बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। एक्सपोर्ट प्रमोशन। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।